हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नोकिया C20 प्लस एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है सेलेक्ट टू स्पीक सेटिंग को है ना यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये सेलेक्ट टू स्पीक सेटिंग जो है काम कैसे करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको है ना नीचे आना है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट टू स्पीक, इसे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपका ये सेलेक्ट टू स्पीक का पेज ओपन होगा। इसमें आपको यूज सर्विस के ठीक सामने ये बटन दिया हुआ है, इस बटन को आपको टैप करना है तो ये आपका सेलेक्ट टू स्पीक का एक न्यू पेज आएगा। इस पेज को ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है तो आपको नीचे अलाउ का ऑप्शन मिलेगा, अलाउ पे सेलेक्ट करना है। अब आपका एक न्यू पेज ओपन होगा। इसमें आपको नीचे ओके का बटन आपको प्रेस करना है तो आपके मोबाइल फ़ोन के सबसे नीचे ये ह्यूमन टाइप का एक बटन ऐड हो जाता है आपके मोबाइल फ़ोन के सबसे नीचे। इस तरीके से मेरे मोबाइल फ़ोन के सबसे नीचे आप देखिए, ठीक है। तो अब आपकी ये सेलेक्ट टू स्पीक सेटिंग जो है ऑन हो चुकी है। इस सेटिंग को आप किसी भी पेज पर किसी भी ऐप में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये ह्यूमन टैप का बटन है, इसे आपको एक बार टैप करना है तो आपके मोबाइल फ़ोन के सबसे नीचे रेड कलर का बटन दिखाई देगा। अब आपको करना क्या है, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आपको उंगली को रखना है और इस तरीके से खींचना है, ठीक है। तो एक ग्रीन लाइन आपको ये इस तरीके से बनेगी, ठीक है। इस ग्रीन लाइन को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं और इस ग्रीन लाइन के अंदर, ठीक है, जितना एरिया आप कवर करेंगे उतना एरिया आपको आपका मोबाइल फ़ोन पढ़ के बताएगा, यानी कि रीड करके बताएगा। देखिए मैं इतना एरिया कवर कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल फ़ोन की वॉल्यूम यहाँ पे फुल होनी चाहिए पहले से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं इतना एरिया कवर कर लेता हूँ। अब मैं उंगली को यहाँ पर हटा देता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो ये मेरा मोबाइल फ़ोन इसको पढ़ के बताएगा। ध्यान से सुनिए। तो मैंने रेड कलर पे बटन पे टैप करके इसे स्टॉप कर दिया, नहीं तो ये पढ़ता चला जाता, ठीक है। तो ये सेटिंग इस तरीके से काम करती है आपकी सेलेक्टिव स्पीक सेटिंग।